इस वाले बॉक्स में बाकाबोकी का एक हाई टॉप स्नीकर और इस वाले बॉक्स में बाकाबोकी का एक लो टॉप स्नीकर, दोनों को अनबॉक्स कर लेते हैं। बाकाबोकी ने अपने बॉक्सेस को पूरी तरीके से बदल दिया। आप लोगों ने एड वगैरह में भी देखा होगा कि कुछ नए लॉन्च स्नीकर्स भी आ गए। ये है बाकाबोकी इवो। यहाँ पे जो इसका बॉक्स है वो काफी फंकी बना दिया गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस पर टैग में आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि मॉडल नेम हो गया, साइज हो गया, प्राइसिंग हो गया और बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओपन कर लेते हैं बॉक्स को। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ढेर सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे, जो कि इस बार बाकाबोकी ने कुछ नया एड ऑन कर रखा है और काफी कूल से स्नीकर लग रहे हैं। इसको मैंने थोड़े जगह जगह पर लगाया है। निकाल लेते हैं शू को, तो कुछ इस टाइप का स्नीकर है। तो ये है बाकाबोकी इवो। इसका जो डिजाइन है ना, वो काफी कोरियन डिजाइन जैसा, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। आप लोगों ने प्रिंटेड टी शर्ट्स में भी देखे होंगे। इसके कलर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रे, ब्लैक, व्हाइट कलर का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कि दूर से इसको काफी अमेजिंग बना रहा है। इसके मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को सब जगह पर पीयू मिल जाएगा। पीयू यानी कि आर्टिफिशियल लेदर का यूज कर रखा है एंड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी दे रखी है। मतलब मैंने इसको थोड़ा बहुत रफली घिसकर भी टेस्ट करा और कह सकते हैं ये थोड़ा बहुत ड्यूरेबल रहेगा। इसके अलावा अलग हटके मुझे इसकी डिजाइन लगी। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट पैचेस मिल जाएंगे जो कि स्टिच कर रखे हैं। जगह जगह आप लोगों को माइनस स्टिच वर्क मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, आई कैचिंग लगता है। और दूर से भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो कुछ डॉटेड पैटर्न्स भी मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंट पैचेस है, इनके ऊपर जो माइनर लोगोस का वर्क कर रखा है वो भी बहुत सही है। एक तो लोगो आप लोगों को पीछे की ओर मिल जाएगा, एक साइड में दे रखा है और एक टंग पे दे रखा है। बैक सोल की बात करूं तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक यूनिक से डिजाइन मिल जाएगी। एकदम सेंटर में पूरे ब्लॉक पैटर्न्स दे रखे हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो इसकी बेस लेयर है वो पूरी रबर की दे रखी है और उसके ऊपर एक हील सपोर्ट दे रखा है आगे की ओर और पीछे की ओर, जो कि रबर का ही बना हुआ है, जिससे आप लोगों की ग्रिपिंग में थोड़ी और हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इसकी सोल हाइट की बात करूं तो आप लोगों को कुछ 1 इंच के अराउंड मिल जाएगी, यानी कि 1 इंच के अराउंड आप लोगों को इसकी हाइट भी इंक्रीज करा देगा। इसके अलावा अगर मैं इसके इनसोल की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा मेमोरी फॉर्म मिलने वाला है, जो कि काफी कंफर्टेबल रहने वाला है। मैंने भी इसको प्रेस करके देखा, काफी ज्यादा सॉफ्ट था। राइट साइड भी यहाँ पे कुशन की पैडिंग कर रखी, जो कि आप लोगों को वहां पर कंफर्ट फील कराएगा। कुछ इस तरफ आप लोगों को साइज चार्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो लेसेस है उसको भी परफेक्टली मैचिंग ही दे रखी है। यहाँ पे ब्लैक कलर की लेसेस मिल जाएगी और क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये वाले स्नीकर किसी भी आउटफिट के साथ इजीली मैचअप हो जाएंगे। मैंने इनको डेनिम्स पर डाल के देखा, ब्लैक जीन्स पर डाल के देखा, दोनों में बहुत सही लग रहे थे। और तो इसका जो कंफर्ट है वो आप लोगों को एकदम डेली वेयर वाला फील देगा, अगर आप लोग कैजुअली भी यूज करो, इतने ज्यादा कंफर्टेबल है। और तो अगर मैं इसके प्राइसिंग और वर्डिक्ट की बात करूं तो इसकी जो प्राइसिंग है वो कुछ 1700 रुपए के अराउंड। लिंक्स जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट स्नीकर बाकाबोकी का एक लो टॉप स्नीकर है। इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर भी सेम टाइप का बॉक्स मिल जाएगा। इस तरफ टैग में डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि पहले बताई थी, यहाँ पर भी सब कुछ मिल जाएगा। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो ये है बाकाबोकी का हैप्पी हाई स्नीकर। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये वाला स्नीकर आप लोगों को एक हैप्पी वाइब देगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कॉन्ट्रास्ट यूज कर रखा है कलर का वो बहुत ही सही है। ब्लैक, ब्लू, येलो कलर का आप लोगों को टचअप मिल जाएगा। मेनली व्हाइट कलर का यहाँ पे यूज कर रखा है आउटर और सोल में। इसके अलावा अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा पीयू मिलने वाला है, यानी कि आर्टिफिशियल लेदर। और इसकी क्वालिटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले में बताया था, काफी जस्टिफाइड है इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से। और तो अगर यहाँ पर स्पेसिफिक डिजाइन की बात करूँ तो डिफरेंट पैचेस को यहाँ पर स्टिच कर रखा, ब्लैक कलर का मिल जाएगा, ग्रे कलर का मिल जाएगा। सेंटर में देखोगे ना तो आप लोगों को एक शाइनी पार्ट मिल जाएगा, जो कि नाइट वाले टाइम में ग्लो वाला इफेक्ट देने वाला है। पीछे की ओर आप लोगों को स्ट्रैप मिल जाएगा, जो कि शूज को पहनने में हेल्प करता है। इसके अलावा पूरे स्नीकर की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि शूज को फ्लेक्सिबल बना रखा है। शू का जो वेट है वो है अराउंड कुछ 377 ग्राम्स के अराउंड, कह सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा वेटेड है। पर हाँ, यहाँ पर जैसी कुशनिंग कर रखी है, जैसा कंफर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप लोग कैजुअल यूज करो तो उसके हिसाब से ये सही रहने वाले। अगर मैं इसकी सोल की बात करूं तो यहाँ पर भी आप लोगों को डबल लेयरिंग मिल जाएगी आगे की ओर और पीछे की ओर। पीछे की ओर हील सपोर्ट के लिए एक ब्लैक कलर का पैच अटैच कर रखा, जो कि सेम रबर का दे रखा है। स्पेशली सेंटर में जो डिजाइन दे रखी है वो मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि कुछ नया देखने को मिला है। यहाँ पर जो सोल है उसको आउटर से ग्लूड करके रखा है। उसके अलावा अगर मैं इसके लेसेस की बात करूं तो वो भी यहाँ पर मैचिंग व्हाइट मिल जाएगी। इसकी क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी। ऑल्सो अगर मैं लोगोस की बात करूं तो वो भी यहाँ पर एकदम मिनी इलास्टिक एड ऑन कर रखे। ऑल्सो आप लोगों को अंदर की ओर एक मेमोरी फॉर्म मिल जाएगा, जो कि प्रेस करने पर काफी ज्यादा सॉफ्ट है। राइट साइड भी कुशन की पैडिंग कर रखी, जो कि इसको और एक्स्ट्रा कंफर्टेबल बनाती है। स्पेशली यहाँ पे कॉलर पे भी कुशन के एड ऑन कर रखा, और अंदर की ओर अगर आप लोग कॉलर में देखोगे ना तो यहाँ पे साइज चार्ट दे रखा है। अब वही अगर मैं इसकी फाइनल प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्नीकर पड़ा था मुझे कुछ 1700 रुपए के अराउंड। लिंक्स जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वाला स्नीकर मुझे एक सटल सी वाइब दे रहा था जब मैंने इसको पहना, एंड स्पेशली मुझे दोनों ही स्नीकर काफी कंफर्टेबल लगे। अगर आप लोग इस स्नीकर को लेकर कोई भी डिमांड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।